Bills of exchange is not a new term for you students. Bills of exchange means a written document which is being drawn by the drawer and to be sent to the drawee. Do terms mein is chapter mein use karungi, rather teen terms use karungi. One is drawer, another is drawee, and the third party will be pay. वैसे आपको जब मैंने बेसिक टर्म्स में इसका मीनिंग करवाया था तो वी डिस्कस कि आम तौर पे ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वर्डिंग हमारा सेलर ही तैयार करता है और वर्डिंग तैयार करके वो बायर को बोलता है इसको पढ़ ले और साइन कर दे, क्योंकि अगर बायर कहता है मैं 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा तो वी कांट बिलीव ऑन द ओरल स्टेटमेंट बींग गिवन बाय द बायर. सो इन दैट केस वी जस्ट वॉन्ट अ रिटर्न प्रॉमिस फ्रॉम हिम और हर. So that written promise का जो content है वो कौन लिखेगा? Seller लिखेगा और वो बोलेगा कि तू इसको पढ़ के इसके साइन कर दे. ओरिजिनल कॉपी सेलर अपने पास रखेगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी ड्रॉई मतलब बायर अपने पास रखना चाहे तो रख सकता है. या दो कॉपीज बनाता होगा सेलर तो एक वो अपने पास ओरिजिनल साइन करवा के रख लेता है और डुप्लीकेट कॉपी किसको दे देता है? बायर को दे देता है, राइट. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे. वन इज व्हाट बीआर, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, एंड सेकंड इज बिल्स पेबल. सो व्हाट एवर इज रिसीवेबल फॉर द ड्रॉअर, ड्रॉअर के लिए जो रिसीवेबल है वो ड्रॉई के लिए क्या है? पेबल, राइट. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ड्रॉअर बीआर लिखता है और साइन करवा के अपने पास एज अ प्रूफ रखता है और वही जिसकी पेमेंट हमारे किसने करनी होती है? ड्रॉई ने. और मैं एक सिंप्लीफाई कर दूं बात, ड्रॉअर इज ऑलवेज सेलर एंड ड्रॉई इज ऑलवेज बायर. तो आमतौर पे ये जो ट्रांजेक्शन्स होनी है दिस विल बी इन द सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन्स. अंडर सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन वी हैव टू पार्टीज, वन इज व्हाट बायर एंड अदर इज व्हाट सेलर, ठीक है. एंड दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑन कैश बेसिस, माइंड इट, दैट ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, देन ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम्स इनटू एक्जिस्टेंस. हैड इट बीन ऑन कैश बेसिस फिर तो इंस्टेंटली हमारे बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी, लेकिन ये ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे है? दिस ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस. सो वंस इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस इट मीन्स कि हमारे बायर ने प्रोमिस किया है कि मैं कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद आपको पेमेंट करूंगा. फॉर दैट हम उसकी ओरल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं इतना करते, हम लोग उसे बोलते हैं तू रिटर्न में हमें एक प्रॉमिस करके दे. वो रिटर्न के प्रॉमिस को बायर बोलेगा बिल्स पेबल और सेलर उसे क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल. बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट भाई, वी विल रीड फ्रॉम आवर बुक. और इसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगती है. रेवेन्यू स्टैंप जिस चीज के ऊपर लग जाती है वो एक डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. रेवेन्यू स्टैंप लगा के यहाँ पे कॉर्नर पे वहां पे नीचे हमारा बायर क्या करता है? साइन करता है. कल को बायर अगर डिनाई करे कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, देन सेलर के पास राइट है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके जा सकता है और उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है दैट ही इज नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ द पर्टिकुलर बिल, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटर्न में ही प्रॉमिस लो. किससे? ड्रॉअर, ड्रॉई से ले. नाउ आई वॉज डिस्कसिंग दैट इन दिस चैप्टर वी हैव three parties. So who is a pay? He is a person who receives the final payment at the time of maturity of the bill. What is the meaning of maturity of the bill? Jab business ka tenure or tenure khatam hoga, like 3 mahine ka bill hai. 1st January ko bill kya hua hai? Issue hua hai. 3 mahine means pura January gaya, February gaya, March gaya. Right? 31 March ko payment karni banti hai, lekin is pure chapter mein we will be talking about days of grace. 3 महीने हम एडिशन में देते हैं अपने ड्रॉई को पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए. सो ही विल बी मेकिंग द पेमेंट ऑन, वैसे 1st अप्रैल बनता है, 1st जनवरी टू 3 months 1st अप्रैल बनता है. 3 दिन ऐड कर देंगे ग्रेस के तो हमारी 4th अप्रैल को क्या होगी? उसकी पेमेंट होगी, राइट. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हु इज पे, ही इज अ पर्सन और शी इज अ पर्सन हु रिसीव्स द फाइनल पेमेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, रिसीव्स द final payment at maturity, right? Maturity means jab bill ka time period khatam hua, us time pe kaun us bill ki final payment receive karega, usko hum log kya bolte hain?
पेई बोलते हैं. In most of the cases, seller himself will receive the payment, but there may be the different cases. We will proceed in this chapter. We will get that different persons can even be the payee. लेकिन आपको सिर्फ इसका मीनिंग याद रखना है. Payee means who receives the final payment at the time of maturity of the bill, right? So this thing you have to keep in your mind. Let's proceed from your book. Book कैसे इस chapter को discuss कर रही है? Let's see that. अभी मैंने सिर्फ आपको chapter के highlights point बताए हैं. So this is bills of exchange, 14th chapter in our book. The whole chapter is dealing with journal entries. भाई सारे chapter में हम journal entries करेंगे. He started the chapter on page number 14.2 by writing a word negotiable instruments. यहाँ पे ये जो instruments हैं that are not the musical instruments जिसपे हम लोग कुछ music के notes produce करेंगे. No, instruments here means documents. And what is the meaning of negotiable instruments? Negotiable means when we negotiate with each other. हम बातचीत करके किसी चीज को final करते हैं तो उसे हम लोग negotiable word से denote करते हैं. तो क्या लिखा है इसने? A business transaction relating to sale and purchase. मैंने भी यही बोला. Bills of exchange comes into existence only in trading activities, and that trading activities are sale and purchase of goods and services. And ultimately, when we talk about bills of exchange, we refer only the credit transactions. A business transaction relating to sale and purchase of goods may either be for cash or on credit. This you all know. Cash sale purchase भी हो सकती है, credit sale or purchase भी हो सकती है. The businessman may not be interested to sell the goods on credit, but with a view to counter the competition. अब मार्केट में अपनी सेल बढ़ाने के लिए वैसे तो कोई भी उधार पे सामान बेचना नहीं चाहता क्योंकि बैड डेट्स होने के चांसेस होते हैं भाई. लेकिन अगर आपने मार्केट में कॉम्पिटिटर को बीट करना है एंड योर कॉम्पिटिटर्स दे आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट ईयर बाय ईयर, देन इन ऑर्डर टू बीट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट यू ऑल्सो इंडल्ज योर सेल्फ टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है, तो उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है. टू काउंटर द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड टू प्रमोट सेल्स they have to sell the goods on credit. In this situation, seller may have to wait for the payment of goods for the stipulated period. The seller may not afford to wait for the payment in the stipulated period and also may not like to lose the customer even. कहता वैसे तो seller इतना wait नहीं करना चाहता, लेकिन seller अपने customer को भी गवाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे उधार पे बेच देता है. On the other hand, purchaser may not be in a position to pay the goods which he needs immediately. कई बार क्या होता है, परचेसर के हालात भी ऐसे होते हैं कि उसे सामान तो चाहिए लेकिन उस सामान को खरीदने के लिए इमीडिएट पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है. सो वी गिव हिम अ प्रिविलेज कि आप उधार पे सामान खरीद लो और थोड़े दिनों या महीनों के बाद आप हमें पेमेंट कर देना. सो पुराने जमाने में अर्लियर इन 70s और 60s के पीरियड में, इवन ब्रिटिशर्स के पीरियड में, फार्मर से वो ऐसे साइन करवा लेते थे कि हम आपका ये वाला फॉर्म ले लेंगे अगर आप हमारे लोन की पेमेंट नहीं करोगे. एट द टाइम सच डॉक्यूमेंट्स वर नेम्ड एज हुंडीज, और हुंडीज पे उन गरीब और अनपढ़ किसानों के अंगूठे लगवा लिए जाते थे, थंब इंप्रेशन ले लिया जाता था और अल्टीमेटली उनकी सारी जमीनें हड़प कर लेता था या तो शाहूकार या ब्रिटिशर्स का जमाना जब था. बट नाउअडेज इट इज अ रिफाइंड फॉर्म. आज के जमाने में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो रिफाइंड फॉर्म है किसकी, हुंडी की. तो देखना इसने हुंडी को कैसे डिफाइन किया. द मैटर इज रिजॉल्व्ड बाय अ रिटन अंडरटेकिंग और एन एग्रीमेंट फ्रॉम द बायर टू पे द अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो हम लोगों ने ये सारी समस्या का हल क्या ढूंढा कि बायर बाद में पेमेंट कर देगा लेकिन वो हमें लिख के एक रिटन प्रॉमिस दे दे. राइट, द मैटर इज रिजॉल्व्ड बाय अ रिटन अंडरटेकिंग. दिस फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या इसको हम लोग चैप्टर में प्रोमिसरी नोट भी कहा करेंगे. बिकॉज हियर बाय द बायर प्रोमिस टू पे, प्रोमिसरी नोट. हियर बाय द बायर प्रोमिस टू पे टू सेलर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अ स्पेसिफाइड अमाउंट. एक अमाउंट जो उसने डिस्कस करी हुई है, जितने का सामान उसने खरीदा था. अगर बीच में कोई इंटरेस्ट वगैरह लेना है, मतलब डिले कर रहा है वो पेमेंट, तो वो इंटरेस्ट की बात भी हम लोग उस नोट में करेंगे. इधर इट कैन बी नेम्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट. इट इज आल्सो नोन एज हुंडी इन द रूरल एरियाज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. पुराने जमाने में हुंडीज कहते थे, आजकल हुंडीज एग्जिस्ट बहुत कम करती हैं. द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल मीन्स क्योंकि बातचीत करके आपने इस डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया है.
सो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक मेजर कैटेगरी है. हमारे इंडिया में सबसे पहला नेगोशिएबल एक्ट बना था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इन 1881. सो ही इज डिफाइनिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. दो इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो लेट मी रीड इट फॉर यू. जो डेफिनेशन एक्ट की होती है स्टूडेंट्स उसे हम कभी चेंज नहीं कर पाते है ना. तो एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डिफाइन किया. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट. इसमें प्रोमिसरी नोट भी आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आएगा, इवन चेक. क्योंकि चेक में भी तो आप ऑर्डर करते हो अपने बैंक को कि जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है उसको पेमेंट कर देना इतनी अमाउंट की, एंड देन यू पुट योर साइन. ठीक है, तो चेक इज ऑल्सो बींग इंक्लूडेड अंडर वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि यहाँ पे भी बातचीत हो रही है. हमने अपने सप्लायर को बोला आई एम इशूइंग अ चेक इन योर फेवर, माई सप्लायर विल गो टू द बैंक. अगर काउंटर पेमेंट लेनी है तो मैं उसे बेयरर चेक दूंगी और मेरा बैंक मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे क्या कर देते हैं, पेमेंट. एंड इफ इट इज अ क्रॉस्ड चेक तो मेरा जो सप्लायर है वो उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज हिज चेक विल गेट इन कैश. So, as per Negotiable Instrument Act, we have three types of negotiable instruments, even bills of exchange or promissory note or checks. All the three documents are included under this category which we call negotiable instruments. आगे चलते हैं. There is one author or accountant, I must say, who defined a negotiable instrument in his own way. One, the property in which is acquired by anyone who takes it bona fide and for the value notwithstanding any defect of the title. ये वो एक ऐसा instrument है जो एक बंदा दूसरे से लेता है. और this is a bona fide का मतलब क्या है, बहुत ईमानदारी से, कोई जोर जबरदस्ती से हम लोगों ने किसी को force नहीं किया कि तू मेरी favor में ये document issue कर. So this is a document which is being taken by one person from other. Bona fide means honesty बेसिस पे रहता है, यहाँ पे कोई भी फोर्स या धक्काशाही नहीं होती. दूसरा बंदे ने उसको पेमेंट करनी होती है, वो उसको एक डॉक्यूमेंट क्या कर देता है, इशू कर देता है. और उसमें डिफेक्ट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, जिस बंदे का नाम लिखा है उसी बंदे को क्या होगी, पेमेंट होगी, और उससे रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन क्लियर कट लिखी जाती है. सो दैट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू जस्टिस बिल इज नेम्ड एज इन द पर्सन फ्रॉम होम ही टुक इट नॉट विदस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल in the person from which he took it. तो जिस बंदे ने ये document issue किया होता है वो basically सामान का owner रहता है. ठीक है, लेकिन जो भी उसने promise किया होता है उस promise के according उस बंदे को payment करने को तैयार रहता है. So this is a complicated definition, you can leave it. आपकी पहली वाली definition बिल्कुल ठीक है. आगे चलते हैं. Examples of negotiable instruments, तीन, क्योंकि उसने पहले दो paragraph बनाए ही negotiable instruments के, so that's why I'm reading. तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. प्रोमिसरी नोट्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. डेफिनेशन में तीन ही बोले, चेक्स आर आल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट, मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है. ठीक है, ये क्या है, हमारे अपने ट्रेडिशंस या लोगों ने इसे क्या किया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया है. द पीपल आर यूजिंग इट एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हुंडीज. नाउअडेज इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. अगर होगा भी तो बहुत बैकवर्ड और रूरल एरियाज और इंडिया के रूरल एरियाज में होगा. शेयर वॉरंट्स इज अ डॉक्यूमेंट विच इज बींग इशूड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वेयर बाय द कंपनी प्रोमिसेस टू इशू द शेयर्स ऑन अ लेटर डे. जिन एप्लीकेंट्स ने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको एक तरह का वादा करती है कंपनी कि अभी हम आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे, दो महीने के बीच बीच वी विल बी इश्यू दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स टू यू. सो दिस इज व्हाट वी कॉल शेयर वॉरंट्स. सो यहाँ पे भी दो पार्टीज का आपस में क्या है, बातचीत करके हुआ है, एक समझौता हुआ है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. डिविडेंड वॉरंट्स, अब तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा डिविडेंड क्या है. हु गिव डिविडेंड, कंपनीज अनाउंस डिविडेंड इन द फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स. तो जब कंपनी ने प्रॉमिस किया और एक लेटर इशू कर दी या कोई मेल सेंड कर दी कि हम आपको इतना डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं और इतने दिनों के बीच बीच आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, सो हियर बाय ऑल्सो अ प्रॉमिस इज बीइंग मेड बाय द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बैंकर्स ड्राफ्ट,
ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक में, आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग चेक आप ड्राफ्ट बनवाते हो, तो ड्राफ्ट भी एक तरह का प्रॉमिस रहता है, इसलिए ये क्या है आपका, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब कभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगा करती थी, बहुत बार आपने देखा होगा कि सो मेनी सर्कुलर्स कम्स फ्रॉम ऑफिस और फ्रॉम प्रिंसिपल साइड एंड वी यूज्ड टू पुट द सिग्नेचर, और कभी कोई छुट्टी के अनाउंसमेंट का सर्कुलर होता था तो हम आपको अनाउंस करके बताते थे, तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीमेशन का तरीका है, दे इन्फॉर्म अस एंड वी जस्ट ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन टू यू पीपल, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस केस में जो सर्कुलर नोट्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या आपस में ट्रेडर और बायर या सेलर के बीच में रहता है, उसे भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम दे सकते हैं। बेयरर डिबेंचर्स, दीज आर दोस डिबेंचर्स विच कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइक अ बेयरर चेक। ठीक है, आपको कंपनी को बताने की भी कोई जरूरत नहीं होती, आप अपना डिबेंचर किसी और बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। तो ये भी आपस में एक समझौता हुआ, आपस में एक बातचीत का जरिया हुआ, वो कहता इसे भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेलवे रिसीट्स ऐसे ही, डिलीवरी नोट्स, डिलीवरी नोट्स मीन्स यू आर सेंडिंग द गुड्स और साथ में आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान भेज रहे हो और साथ में आप एक नोट भेज रहे हो ताकि आपके कस्टमर के पास जब सामान पहुंचे तो वो उस डिलीवरी नोट को पढ़ के चेक कर ले कि जितना उस नोट में सामान लिखा है उतना ही अनलोड करवा रहा है वो। सो दिस इज ऑल्सो टू बी ट्रांसफर्ड, नेगोशिएबल का मतलब क्या, विच कैन बी इजली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड विच डिपेंड्स अपॉन देयर एग्रीमेंट, विच डिपेंड्स अपॉन देयर इंटीमेशन मिशन। ठीक है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करने का एक जरिया है, ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स आर नेम्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्रॉमिसरी नोट, हु विल डिफाइन दिस टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हु विल टेल मी, जितना आपको समझ आया, हु विल टेल मी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस, लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स, लेट मी चेक आर यू देयर रियली लिसनिंग। आरजू आप करो अनम्यूट, आरजू अनम्यूट करो, यस आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, नो, अमित आप करो अनम्यूट, अमित कालरा, दीपांशु अर्लियर यू पेस्टेड योर पिक ऑन योर प्रोफाइल, नाउ योर प्रोफाइल बॉक्स इज विद योर डीएक्स, सो जिनके पिक नहीं है उनसे पूछने में मेरे को रिस्क लगता है। ठीक है, आई हैव सीन हरलीन ओवर हियर, हरलीन आप करो अनम्यूट, हरलीन अनम्यूट योर सेल्फ, आर यू देयर हरलीन कौर, प्लस वन सी क्लास, वेरी बैड, ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग, इसंट इट? हर्षिका आप करो अनम्यूट, हर्षिका शर्मा अनम्यूट योर सेल्फ, यस बच्चे अनम्यूट करो, हर्षिका अनम्यूट करो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, अमित रोट द आंसर इन माय चैट बॉक्स, साइन डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिसेस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ मनी, राइट। और भी किसी ने लिख के भेजा, माइक नहीं वर्क कर रहा, दोस विच कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट। चलिए जी, लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बुक, प्रोमिसरी नोट। वैसे मैं कहती हूँ बोथ आर सेम, लेकिन दोनों की वर्डिंग में थोड़ा सा फर्क है भाई। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इज ऑलवेज टू बी मेड, अभी मैंने बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो कंटेंट है, जो मैटर है, वो सेलर लिखेगा और सेलर लिख के बायर को बोलेगा तो पढ़ ले, अगर इस बात को एग्री करता है साइन करके मेरे को वापस कर दो।
प्रोमिसरी नोट की जो वर्डिंग है बायर खुद लिखेगा एंड ही विल बी स्टार्टिंग दैट वर्डिंग विद आई प्रोमिस टू पे टू यू. राइट, वो अपनी वर्डिंग में क्या लिखेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं. इट मींस कि प्रोमिसरी नोट कौन बनाएगा, इज ऑलवेज टू बी मेड बाय बायर, और वो नीचे अपने साइन करके सेलर को दे देगा. लेकिन वहां पे हमारी पार्टीज का नाम क्या है, ड्रॉअर. ड्रॉअर इज ऑलवेज सेलर. ही विल ड्रॉ द बीआर, ही विल राइट द कंटेंट एज पर हिज ओन विश, ही विल सेंड इट टू द ड्रॉई. ड्रॉई मतलब वो परचेजर को भेजेगा और परचेजर उस पे साइन करके वो उसे वापस कर देगा. राइट, लेकिन यहां पे कौन है, बायर खुद ब खुद उस डॉक्यूमेंट को बनाता है और अपने साइन करके उसे दे देता है. चलिए देखिए क्या लिखा है. और यहां पे हम लोग पार्टीज को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज को हम ड्रॉ, ड्रॉई एंड पई कहते हैं. आगे डिटेल में करवाना है मैंने. यहां पे हम लोग प्रोमिसर, मैं उसे मेकर भी कह सकती हूं. हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट हियर, सेलर नहीं बनाएगा, बायर बनाएगा. एंड सेकेंड पार्टी को हम प्रोमिसी कहेंगे. प्रोमिसी हियर बाय ही विल बी द बायर. जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर है, मींस वो बायर प्रॉमिस करेगा, मैं आपको इतना पैसा देने को तैयार हूं इतने दिनों या महीनों के बाद. और जिसके साथ वो प्रॉमिस करता है वो कौन होगा, सेलर. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप योर माइंड. मेरे को नहीं लगता इस केस में वो पई की बात करेगा, अगर करेगा तो आई विल टेल यू. चलिए जी, ये करने से पहले कभी आपने अपना करेंसी नोट देखा है, इंडियन करेंसी नोट. आई प्रोमिस टू पे टू द बेयरर द वैल्यू ऑफ रुपीज 20. अगर 20 का नोट है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, दैट इज वॉट प्रोमिस. किसने प्रोमिस किया, आरबीआई ने वो नोट प्रिंट किया और नोट खुद ब खुद बेयरर को प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको इतने वैल्यू देने का प्रॉमिस कर रहा हूं. तो करेंसी नोट भी एक तरह के प्रोमिसरी नोट होते हैं. राइट, अब उसने प्रोमिसरी नोट को कैसे डिफाइन किया है. प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस मेड बाय अ पर्सन टू पे अ सर्टन सम. सर्टन मींस वो लिखेगा नोट में, आई प्रॉमिस टू पे टू यू 10,000 फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम यू. ठीक है, क्योंकि 10,000 का मैंने आपसे सामान खरीदा था, तो 10,000 का जब मैंने आपको सामान खरीदा तब मैंने पेमेंट नहीं करी. अब मैं आपको वचन देता हूं कि आई विल बी पेइंग इट टू यू ऑन दिस वेरी डेट और आफ्टर 3 months. वो लिख देगा. ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल इजी है. क्या लिखी उसने, प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ड्यू टू अनदर पर्सन और एनी अदर लीगल होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट. यहां तो वो बोलेगा मैं आप ही को पेमेंट करूंगा क्योंकि मैंने आपसे सामान खरीदा है. अगर क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और सेलर कह देता है मेरे को पेमेंट नहीं करना, मैंने आगे मिस्टर अमित के पैसे देने हैं, मैं अमित को ये प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर कर रहा हूं, आप अमित को पेमेंट कर देना. सो दिस इज व्हाट वी कॉल लीगल होल्डर. जिसके पास एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो प्रोमिसरी नोट होगा, हमारा प्रोमिसर उसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा और वो इसके बारे में प्रोमिस भी करता है. कोई चीज आप ओरल बोलो उस पर इतना भरोसा नहीं होता. जो आपने रिटर्न प्रॉमिस किया है और नीचे अपने साइन करे हैं प्लस उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगी है, फ्रॉम दैट वेरी डे दैट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट है. डर भी रहेगा कि कल को अगर मैं पेमेंट नहीं करता या उसमें मैं कोई मैनिपुलेशन करता हूं या एक्सक्यूजेस बनाता हूं तो उस केस में मेरे अगेंस्ट केस भी फाइल हो सकता है बिकॉज आई मेड अ रिटर्न प्रॉमिस. We have the definition as per Negotiable Instrument Act, an instrument in writing, not being a bank note or currency note. इन्हें हम वैसे promissory note की category में नहीं लेते, लेकिन पुरानी definitions में act में बोला है नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे. Containing an unconditional, बिना किसी शर्त. ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी. बंदूक की नोक के ऊपर seller ने आपसे कोई promise नहीं लिखवाया. बिना किसी शर्त, बिना कोई शर्त रखे, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी धक्केशाही के आप प्रॉमिस करते हैं दूसरी पार्टी को पेमेंट करने का. आप उस अंडरटेकिंग को साइन करते हो. हु साइंस इट, मेकर. एंड हु इज द मेकर हियर, बायर इज द मेकर. टू पे अ सर्टन सम मींस आपको स्पेसिफाई करना है आप कितना पैसा पे करोगे. ऑफ मनी ओनली, बार्टर सिस्टम नहीं होगा कि तूने मेरे से 4 बोरी चावल ले ली तो बदले में मैं तेरे को 2 बोरी गेहूं दूंगा. नहीं, मनी के लिए.
As I purchase goods from you, I am ready to pay and I promise to pay to you ₹10,000 after 2 months. ठीक है, सो दिस शुड बी द वर्डिंग. आगे जाके अगले पेज पे वो वर्डिंग भी बताएगा, आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी बताएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. सो डॉक्यूमेंट कैन बी शोन यू इन द पेपर एंड वी कैन आस्क आइडेंटिफाई इज इट अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वी कैन आस्क हु इज द मेकर हेयर, बंदों के नाम नीचे लिखे होंगे. हु इज द ड्रॉअर हेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हु इज द ड्रॉई हेयर. सो यू शुड बी फेमिलियर अबाउट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट. चलिए जी आगे चलते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं. फर्स्ट, इट मस्ट बी इन राइटिंग. मैंने बोला ऑरल स्टेटमेंट का कोई भी प्रूफ नहीं होता. अगला बंदा डिनाई कर सकता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए आपने अपने दूसरी पार्टी से रिटर्न में ही प्रॉमिस लेना है, क्योंकि रिटर्न में प्रॉमिस का उसके मन में भी डर रहेगा. द प्रॉमिस कौन करता है? द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस, मतलब वर्डिंग शुड बी क्लियर कट. वर्डिंग में कोई भी वेगनेस ना हो, वर्डिंग क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि हाँ वाकई में ये बंदा दूसरी पार्टी को इतना पैसा पे करने का प्रॉमिस कर रहा है. द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस. अ मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विदाउट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट. घुमा फिरा के बातें चार पांच लाइनें लिख दी, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं आपको इतने दिनों के बाद पेमेंट करूंगा. मैंने आपसे सामान खरीदा है, इस दिन को खरीदा, ये सारी कहानियां डाल दी. ये नहीं लिखा कि आई एम लायबल टू पे टू यू एंड आई एम रेडी टू पे टू यू आफ्टर दिस डेट. ठीक है, सो द पेमेंट का जो प्रॉमिस है दैट शुड बी एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दैट डॉक्यूमेंट. देन प्रॉमिस टू पे मस्ट बी, मैंने बोला बिना किसी शर्त के होना चाहिए, बिना किसी धक्केशाही के होना चाहिए, बिना किसी मैनिपुलेशन के होना चाहिए. कोई शर्त नहीं रखनी कि तुम ऐसा करोगे तो मैं करूंगा. नो, देयर शुड बी नो कंडीशन, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए. इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा है नीचे वो अपने साइन भी तो करेगा. द मेकर मस्ट बी सर्टन, एक डम्मी पर्सन नहीं होना चाहिए. जो ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहा है और सर्वाइव कर रहा है वो ओरिजिनल बंदा होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. इवन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज की भी तो स्टैंप लग सकती है. इन दैट केस कंपनीज कैन बी द बायर एंड कंपनीज कैन बी द मेकर, और उनके बिहाफ के ऊपर डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं भाई. द प्रोमिस मस्ट बी टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. प्रोमिस में वो बंदा बताएगा कि मैं कितना पैसा पे करने वाला हूँ. द पे, आमतौर पर इस केस में पे प्रोमिसी होगा. हु इज अ पे? जो पे की डेफिनेशन सेम है जो वहां पे करवाई है मैंने. He is a person or she is a person who is going to receive the final payment at the time of maturity. जिसको maturity पे final payment मिलनी है, payment मिलनी है, करनी नहीं है. Who receives the final payment at the time of maturity, that person we call pay. Right? और pay should also be certain. आप किसको promise कर रहे हो? Eighth feature पे आइए. The promissory note must be properly stamped. और बताया था कौन सी stamp लगनी है? ये आपको कोर्ट में ही मिलती है भाई स्टैंप. रेवेन्यू स्टैंप लगनी है और पोस्ट ऑफिस में मिल सकती है. एक पोस्टेज स्टैंप होती है, एक रेवेन्यू स्टैंप होती है. पंजाबी और हिंदी में से बोलते हैं रसीदी टिकट. एंड आमतौर पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम रेवेन्यू स्टैंप्स को ही पोस्ट करना, पेस्ट करना प्रेफर करते हैं. तो इट शुड बी प्रॉपरली स्टैंप्ड. द अमाउंट पेएबल मस्ट बी इन लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया. इंडिया में जो करेंसी चल रही है, लाइक यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया एंड यू आर राइटिंग कि आई विल बी पेइंग यू दीज मेनी डॉलर्स. नो, जो भी प्रॉमिस होगा वो लीगल टेंडर मनी में होना चाहिए. जो हमारी करेंसी हमारी कंट्री में चल रही है उसी में हमारा प्रोमिसर उसे क्या करेगा, पेमेंट करेगा. इट शुड नॉट बी पेबल टू द बेयरर. वैसे डेफिनेशन में लिखा है कि जिसको प्रोमिसी बोलेगा उसे भी वो पेमेंट कर सकता है. लीगली आप उसे पहले फोन करके बताइए, उसे मैसेज करिए कि तू मेरे को पेमेंट नहीं करना, मैंने अपना बिल प्रोमिसरी नोट इस बंदे को हैंड ओवर कर दिया है. ही विल शो यू द प्रोमिसरी नोट एंड यू जस्ट मेक द पेमेंट टू हिम. बेयरर का मतलब यहाँ पे है जैसे किसी ने चुरा लिया हो और प्रोमिसी ने प्रोमिसर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसका गुम हो गया, तो किसी भी थर्ड पार्टी को बिना प्रोमिसी के कहे ये पेमेंट नहीं करेगा. सो इट शुड नॉट बी पेड टू द बेयरर. नाउ सी द फॉर्मेट फ्रॉम योर बुक. प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट. It's a form of a check. Like उसी तरह से rectangle form में होगा,
ठीक है, चाहो तो आप इसे प्रिंट करवा सकते हो, चाहो तो ये हैंड रिटन हो। इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्लिप। बुक में देखना जो है टू मेसर्स राम स्वरूप लिखा है। इट मीन्स कि ये जो प्रोमिसरी नोट है किसको भेजा जा रहा है? राम स्वरूप को। सो राम स्वरूप इज द सेलर। आप उसका एड्रेस ऊपर लिख रहे हैं तो आप उसको ये प्रोमिसरी नोट भेज रहे हैं, और वो कहां का बंदा है? लुधियाना का। जो इस तरफ एड्रेस है वो मेकर ने अपना एड्रेस लिखा है, 18 सुंदर स्ट्रीट कोलकाता, और 15 जुलाई को ये प्रोमिसरी नोट बना है। 3 months आफ्टर डेट, जो डेट लिखी है 15 जुलाई, इस दिन से लेके 3 महीने के बाद, उसने वर्डिंग यहां से स्टार्ट करी, 3 months आफ्टर डेट वी प्रोमिस टू पे। मैंने बोला था ना इसको भेज रहा है पे टू, और हम लोगों ने फ्यूचर में भी पढ़ा है द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड दैट पर्सन शुड बी सर्टन, उसका नाम लिख दो। ठीक है, आफ्टर क्या लिखा? 3 months आफ्टर डेट, इस दिन से लेके, इस तारीख से लेके 3 महीने के बाद वी प्रोमिस टू पे टू मेसर्स। सिखाया होगा ना आपको एमएस का मतलब मेसर्स होता है, प्लूरल ऑफ मर्चेंट। मेसर्स राम स्वरूप एंड कंपनी और ऑर्डर, या फिर वो हमें ऑर्डर कर दे कि मेरे को पेमेंट नहीं करना, जिस बंदे का नाम मैं बता रहा हूं उसको पेमेंट कर देना, तो एज पर हिज डायरेक्शन। और पहले हम उसको ही पेमेंट करना प्रेफर करेंगे, अगर वो हमें कोई डायरेक्शन देता है, हमें कोई ऑर्डर करता है कि मेरे को पेमेंट नहीं करना या हाफ मेरे को कर देना, हाफ इस बंदे को कर देना, देन वी विल बी फॉलोइंग हिज ऑर्डर एज वेल। कितना पैसा? अ सम ऑफ रुपीज 20,000, सो अमाउंट इज सर्टन। जब कभी भी हमारे ऐसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हमें दो फॉर्म में ही लिखनी होती है अमाउंट, वन इज इन न्यूमेरल्स एंड अनदर इज इन वर्ड्स। ठीक है, 20,000 ओनली, ताकि एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर हो। और लीगल टेंडर मनी है, इंडिया की रुपीज ही है, तो 20,000 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, क्योंकि आप 3 महीने डिले कर रहे हो। साथ में उसने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं साथ में कितने परसेंट इंटरेस्ट दूंगा, 8% पर एनम फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। व्हाई आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ 20,000, क्योंकि उतने का सामान मैंने आपसे खरीदा था, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड एज आई बोर्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम यू, नाउ आई एम प्रोमिसिंग। 15 जुलाई को हो सकता है उसने परचेज फाइनलाइज कर ली हो, तो अब वो एक डॉक्यूमेंट लिख रहा है जिसमें वो कह रहा है 20,000 की मैं पेमेंट करूंगा, विद इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, क्योंकि 3 महीने में देरी कर रहा हूं, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, 20,000 के ऊपर 8% बोला उसने, ये तो पूरे साल का है, उसने तो 3 महीने डिले करी ना पेमेंट, सो ही विल बी पेइंग 400 एक्स्ट्रा, ही इज रेडी टू पे 20,000 के बदले में 3 महीने क्योंकि पेमेंट डिले हुई है, आई विल बी पेइंग टू यू 20,400। और स्टैंप कहां पे लगनी है? नीचे। अब साइन किसके हुए हैं भाई? लूथर ब्रदर्स। लूथर ब्रदर्स कौन होगा? हमारा मेकर। नीचे साइन कौन करेगा? मेरा मेकर। यहाँ पे स्टैंप लगी, चाहो तो स्टैंप टॉप पे लगा लो, चाहो तो स्टैंप कौन सी, रेवेन्यू स्टैंप, और नीचे मेकर के क्या होंगे? साइन। सो वी विल बी राइटिंग द नेम लाइक दिस वे, वी विल बी राइटिंग द नेम हियर ऑल्सो, वी विल बी पुटिंग इट इन योर एग्जाम एंड वी विल बी आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द मेकर और प्रोमिसर और बायर और सेलर, लाइक दैट वे वी कैन आस्क। So in 5th period also you will rejoin for your accountancy class.